वेलकम दोस्तों, वेलकम टू मनी व्लॉग। तो अभी यार तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं, तो आज ज़रा कोई घंटा पहले उठ गया हूँ। वैसे उठना तो इससे भी जल्दी चाहिए था, क्योंकि आज ना हमारे खेतों में स्प्रे होनी है, तो स्प्रे वगैरह लेके जानी है। बंदा वहाँ पे तकरीबन कह लो कि पहुँचा हुआ है, तो अभी जल्दी जल्दी पहुँचना है वहाँ पे। नाश्ता अभी तैयार हो रहा है, नाश्ता करके फिर जाना है। तो अभी ये निकाल लेते हैं बाइक बाहर और स्प्रे वगैरह उठा लेते हैं। सभी बाइक जो ना बाहर ले आए हूँ और बाइक पे जाना है। ये जो ना स्प्रे, इसके अंदर 2 बोतलें हैं, तो ये पिछली बारी की 2-3 एकड़ की ना रह गई थी, यानी कि इजाफी थी, बच गई थी, तो वो करनी है। और बाकी जो ना उस साइड पे पड़ी वो उठाते हैं। दूसरे वाले घर आ गए, और ये वाली और जो दूसरी नई नहीं हूँ वो भी इकट्ठी करते हैं सारी, तो ले कर चलते हैं फिर। आप देख सकते हैं तकरीबन सारा ना एग्रीकल्चर का सामान पड़ा है, ये खादे वगैरह और स्प्रे और बाकी सारा सामान वहीं काफ़ी सारी पड़ी हैं। और इसमें ना जो सी क्या कहते हैं कि घास वाली, गंद मारने वाली, वो वाली दवाई नहीं है, वो इस दफ़ा नहीं करनी। गंद जो सा पिछली दफ़ा मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि वो बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो गया था, तो यार ये स्प्रे भी वैसे दूसरी दफ़ा कर रहे हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा वाला ब्लॉग जो सा ना वो अपलोड नहीं हुआ, तो वो पहले डिलीट हो गया था। तो यार अभी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, दोबारा बना लेंगे। तो अभी चलते हैं, ये दवाई जो सी पड़ी है, ये जो सी सूंडी वगैरह और कीड़े मकोड़े जो सी इस तरह की चीज़ें होती हैं उनके लिए है, तो अभी लेके चलते हैं। जिस दोस्तों अभी नाश्ता माश्ता हो गया, स्प्रे हमने ले लिया दवाइयाँ इतनी ज़्यादा, तो अभी पहुँचते हैं खेतों में, मिलते हैं फिर वहीं पर। ओके जी, तो दोस्तों वेलकम बैक अगेन। तो अभी यार खेतों में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर ना थोड़ी सी हवा चल रही भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि जो सा आवाज़ है ना उसका थोड़ा सा इशू आएगा, तो यार एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अभी मकई मैं आपको दिखा देता हूँ, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अभी दूसरी दफ़ा स्प्रे करने लगे, पहले भी बता चुका हूँ, अभी स्प्रे आ चुकी है वहाँ पर। तो बंदा जो सा ना वो इस साइड पर वहाँ पर अपनी या किसी की दूसरी किसी और की जो सी ना मकई है उसको स्प्रे कर रहा है, तो अभी वो भी आ जाएगा यहाँ पर। तो उससे पहले ना चल, आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी मकई खड़ी है, पर मैंने जहाँ पे स्प्रे करनी है वहाँ पे, यहाँ पे जो ये वाले खेत है ना, ये अभी तकरीबन शायद इसकी बारी कल आएगी, तो जो ना नीचे वाले खेत है वहाँ पे आगे, तो वहाँ एंड से स्टार्ट करना है, तो वहाँ तक ना पानी लेके जाना है। तो पानी के लिए मुझे खाला वगैरह जो वो चेक करना पड़ेगा कि पहले किसी और खेत को पानी छोड़ा हुआ तो नहीं, यानी कि रस्ते में किसी और खेत में ना डाल जाए। तो बस खेत में नहीं डालना, सिर्फ ना वो खाले जो खाला होता है उसी में रखना है। अभी चलते हैं देख लेते हैं क्या सीन होता है। आप देख सकते हैं कि हमें एक ना इशू मिल गया, इशू इतना बड़ा नहीं है, बस ये ना जो सा चारा है, ये चाचू की जो सी फसल है, चाचू की जी ज़मीन है, उन्होंने अपनी भैंसों के लिए चारा जो सा काश किया हुआ है, तो उसको पानी लगाने के लिए यहाँ पे ब्रेकर बनाया हुआ था। तो अभी इसको ख़त्म कर लेते हैं, या इस तरह कर लेते हैं कि इसी साइड से यहाँ से ना स्टार्ट कर लेते हैं, ये हमारी जो सी मकई है तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो इस साइड पर फिर वहाँ तक जाना है एंड तक। तो पहले इसको स्प्रे कर लेते हैं, तो दूसरे पर मैं वहाँ पे जो सा बंदा है वो स्प्रे कर रहा, तो उसने मुझे बुलाया कि मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे बात कर लेते हैं। शायद वो कह रहा है कि मुझे ना थोड़ा टाइम लगेगा, शायद मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है, लेकिन पता नहीं। तो अभी बाकी एंड पे भी देख लेते हैं, एंड तक पानी लेके जाना, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी पहुँचते हैं वहाँ पर बंदे के पास, तो उससे बात कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये दोस्त अभी हम ना भाई के पास पहुँच चुके हैं। तो जी सर, कैसे? वी सेट मौजा जी, मौजा गए। तो जी अब क्या रूटीन है? बस एक रह गई, तो और तो डेढ़ आई ना। अच्छा जी, बस तो फ्री। तो यहाँ पे ना पानी वो जो सा खेत है। हाँ, तो यार बस अभी कर लेते हैं बातचीत, तो फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं बंदे से ना बातचीत हो गई है, और ये स्प्रे मैंने उठा ली है, दवाई वगैरह जो सी। अभी पहुंचते हैं, बंदा भी पहुंचने वाला है। वैसे ना आज मुझे बैड सी वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि ना आज फिर मुझे लग रहा है कि सिचुएशन कल वाली होने वाली है, क्योंकि आज लाइट कल वाले टाइम पे फिर चली गई है। तो अभी अगर लाइट ना आई तो काम सारा ना धर्म भरम हो जाएगा, क्योंकि स्प्रे करनी है तो पानी तो चाहिए वहाँ पर, तो थोड़ा सा पानी खड़ा है, बाकी जो सा चाहिए वो अगर ना हुआ तो आज फिर स्प्रे रह जानी है, तो काम सारा ना उल्ट हो जाना, क्योंकि फिर 2 दिन बाद पानी भी लगना है। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करे, चलते हैं अभी। तो सभी आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पे ना हवा इतनी तेज़ चल रही है कि स्प्रे करने का मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो अभी देखते हैं, कुछ थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर तो जो सी हवा है ना रुक गई तो कर लेंगे। वैसे बंदा पहुँचा हुआ है, यहाँ पे बैठे हैं वेट कर रहे हैं, अगर ठीक हो गए नॉर्मल जो सी सिचुएशन होगी तो कर लेंगे, अगर ना हुआ तो फिर
कल को या शाम को कर लेंगे, तो अभी बस ना वेट ही कर रहे हैं। तो बैठते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सभी काफ़ी तकरीबन कोई आधा पौना घंटा हमने वेट किया, लेकिन हवा का ना 1% भी जो सा वो डिफरेंस नहीं हुआ, पहले से ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो वैसे भी लाइट भी नहीं आई, तो अभी ना भाई जा रहे हैं, ओका हो गया। तो तकरीबन हमारा टाइम फिक्स हुआ कि 3 बजे के बाद, यानी कि दोपहर जुमा, आज जुमा पढ़ के और उसके बाद 3 बजे के बाद ना ये दवाई करेंगे, स्प्रे करेंगे। तो भाई जब करने स्टार्ट करेंगे तब मुझे कॉल कर देंगे। तो ये स्प्रे दवाई जो सी ना ये भाई को दे दी है। तो अभी काफ़ी टाइम दे वेट करने के बाद ना लाइट तो आ चुकी है, देख सकते हैं ये ट्यूबवेल चल रहा है। तो वैसे ना हवा जो सी है वो बिल्कुल भी नहीं रुकी, मेरे बाल जो सी ना हवा की वजह से काफ़ी हिल रहे हैं, हवा जो सी ना काफ़ी तेज़ चल रही है। स्प्रे वाला काम है वो तो अभी नहीं हो सकता, तो वैसे भी व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।